नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल ब्रेकिंग टीवी से पेश है आज 23 फरवरी 2021 की वो खबरें जो कल 24 फरवरी 2021 को कैथल के अखबारों की सुर्खियां बनेंगी। और अगर आपको कैथल ब्रेकिंग टीवी की एक खास पेशकश पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहली खबर, कैथल शहर के निकटवर्ती गांव भैणी माजरा में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से गोबर धन योजना के तहत प्लांट लगाया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट पर अधिकारी गंभीरता से कार्य करें, इसके लिए आज उपायुक्त सुजान सिंह ने अधिकारियों की बैठक ली और दिशा निर्देश भी जारी किए। डीसी ने आदेश दिए कि अधिकारी इस योजना की प्रक्रिया को शुरू करवाएं। संबंधित अधिकारी फील्ड में निकलकर ग्रामीणों को इस प्रोजेक्ट के बारे में पूर्ण जानकारी भी दें तथा ग्रामीणों का सहयोग से इस कार्य को पूरा करवाएं। उपायुक्त ने बताया कि प्रथम चरण में 80 घरों में गोबर गैस की सुविधा दी जाएगी। उपायुक्त ने अक्षय ऊर्जा विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि वे चिन्हित 6 गौशालाओं में बायोगैस प्लांट तैयार करने के लिए कार्य शुरू करें और इस कार्य में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यदि लापरवाही नजर आएगी तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी खबर, गांव मुंदड़ी में 21 फरवरी को जींद जिले के गांव आलन से बारात में आई क्रेटा गाड़ी चालक ने एक महिला को टक्कर मार दी। इस हादसे में गांव मुंदड़ी निवासी महिला मुकेश देवी पत्नी सुरेश कुमार की मौत हो गई। मृतका के भतीजे अमित ने बताया कि उसकी चाची साए को बसंती माता मंदिर से पूजा करने के बाद वापस घर लौट रही थी। इसी दौरान बारात में क्रेटा गाड़ी चालक ने लापरवाही व तेज गति से चलाते हुए उसकी चाची को टक्कर मार दी। वो और उसके चाचा प्राइवेट व्हीकल में मुकेश देवी को कैथल के सरकारी अस्पताल में लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसकी चाची को मृत घोषित कर दिया। अगली खबर, सेक्टर 20 व सेक्टर 21 के चौकी पर 2 गाड़ियों में भयंकर भिड़ंत हो गई और इस हादसे में दोनों गाड़ियों के एयरबैग भी खुल गए, जिस कारण उनके चालकों की हल्की चोट तो आई ही, वहीं दोनों गाड़ियां भी भारी क्षतिग्रस्त हो गई। एक गाड़ी टक्कर लगने के करीब 50 मीटर दूर जाकर रुकी और गाड़ी का टायर भी फट गया। इस हादसे में कुलचे बेचने वाला प्रवासी मजदूर भी बाल बाल बच गया, लेकिन उसका साइकिल व अन्य सामान बिखर कर सड़क पर पड़ा दिखाई दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक गाड़ी चालक अपनी गाड़ी को तेज गति से चलाते हुए आया, जिस कारण यह हादसा हुआ। हादसे के बाद कैथल सिटी व सिविल लाइन पुलिस एरिया को लेकर असमंजस में भी दिखाई दिए। गांव किठाना से किसानों का एक जत्था खाद्य सामग्री के साथ सिंधु बॉर्डर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। किसानों ने कहा कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती, उनका प्रदर्शन व विरोध इसी तरह जारी रहेगा। तित्रम चौक के निकट रिलायंस पेट्रोल पंप पर चल रहे किसानों के धरने को आज 63 दिन हो गए। आज धरना स्थल पर व गांव बड़ सीकरी में सरदार अजीत सिंह की जयंती मनाई गई। किसान सभा के जिला प्रधान महेंद्र सिंह ने बताया कि सरदार अजीत सिंह शहीद आजम भगत सिंह के चाचा थे और उन्होंने 1907 में पगड़ी सभाल जट्टा आंदोलन की अगवानी भी की थी। यह आंदोलन 9 महीने चला व किसानों की जीत हुई थी। किसान 24 फरवरी को दमन विरोधी दिवस मनाएंगे, 26 फरवरी को युवा किसान दिवस और 27 फरवरी को शहीद चंद्रशेखर आजाद व गुरु रविदास जयंती किसान मजदूर एकता दिवस के रूप में भी मनाई जाएगी। हरियाणा शारीरिक शिक्षक यानी पीटीआई संघर्ष समिति कैथल द्वारा लगातार 254वें दिन भी कैथल सचिवालय में धरना जारी रहा। आज अनशन पर अजीत पाल, शिवचरण, राजिंदर मान व भोम चहल बैठे। सर्व कर्मचारी संघ कैथल से ओमपाल भाल ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा स्पोर्ट्स असिस्टेंट के पद पर विज्ञापन निकाला गया है, लेकिन उस पर भी हाई कोर्ट का स्टे लग गया है। पिछले 3 महीनों से सरकार प्रोसेस चलाए हुए है। गांव कसान में दोपहर करीब 3 बजे कुछ छात्रों ने कैथल जींद मार्ग पर जाम लगा दिया। छात्रों ने कहा कि उनके सरकारी बस पास बने हुए हैं, लेकिन प्राइवेट बस चालक उन्हें नहीं मानते। जाम की सूचना मिलते ही किठाना चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और जाम लगा रहे छात्रों को समझाकर जाम खुलवा दिया। कैथल पुलिस के भगोड़ा पकड़ो प्रकोष्ठ प्रभारी ASI सतीश कुमार की टीम द्वारा 17 साल पुराने बाड़े से पशु चुराने के मामले में वांछित उद्घोषित आरोपी संदीप कुमार निवासी कर्ण विहार करनाल को काबू कर लिया गया। शिकायतकर्ता सोमी राम निवासी पाई गेट पुंडरी की शिकायत पर 15 फरवरी 2004 को थाना पुंडरी में मामला दर्ज किया गया था कि 11 फरवरी की रात उसके पशु बाड़े अज्ञात व्यक्ति 4 पशु चुरा ले गए थे। आरोपी संदीप कुमार अदालत से जमानत हासिल करके निरंतर भूमिगत यानी अंडरग्राउंड चल रहा था, जिसे अब पकड़ लिया गया है। कलायत के दुकानदार से 15 लाख रुपए फिरौती मांगने के मामले में CIA 1 पुलिस द्वारा रिमांड पर लिए गए 4 आरोपियों से पूछताछ के दौरान गिरोह ने 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह से जुड़े 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से फिरौती मांगने व गैंग सरगना द्वारा बातचीत हेतु जेल में रजिस्टर्ड फोन सहित 2 मोबाइल फोन तथा दुकानदार से जबरन लिए गए कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं। गिरोह सरगना बिन्नी सहित 8 आरोपियों को मंगलवार को अदालत में पेश किया गया और न्यायालय ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
पुलिस ने इस मामले में आरोपी प्रवीण उर्फ बिन्नी निवासी कलायत, राजेश उर्फ राजू निवासी बाता, सुनील उर्फ सोनू निवासी कैरू जिला भिवानी तथा आरोपी संजय उर्फ संजू निवासी थुआ जिला जींद को पुलिस रिमांड पर लिया था। पूछताछ में गिरोह से जुड़े अन्य आरोपी कपिल निवासी मटोर, सोमबीर निवासी मदीना जिला रोहतक, रामलाल उर्फ रामू निवासी जोलानीखेड़ा तथा आरोपी सुभाष निवासी सेरदा को गिरफ्तार कर लिया। एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि सीआईए वन पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश भी कर रही है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर पुलिस एसपी पुलिस अधीक्षक द्वारा कर्मचारियों को लाइन हाजिर व सस्पेंड किए जाने के मामले तो अक्सर सुनने को मिलते ही हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किए जाने के समाचार हमें कम ही सुनने को मिलते हैं। कैथल एसपी लोकेंद्र सिंह ने एक ऐसे ही कर्मचारी को प्रशंसा पत्र व 5,000 रुपये की नकद राशि देकर सम्मानित किया है। सम्मानित होने वाले कर्मचारी का नाम है ASI रमेश कुमार, जो इस समय संगतपुरा चौकी प्रभारी भी हैं। जानकारी अनुसार जम्मू कश्मीर निवासी ट्रक चालक रणजीत सिंह हत्या के मामले में जांच रमेश कुमार ने ईमानदारी से की और मामले से बेहतरीन अनुसंधान करके ठोस साक्ष्य जुटाए थे, जिस पर आरोपियों को अदालत द्वारा 22 फरवरी को ही लाइफ इंप्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एसपी लोकेंद्र सिंह ने कहा कि इसी प्रकार बेहतरीन कार्य करने वाले पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों को आगे भी सम्मानित किया जाता रहेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको कैथल ब्रेकिंग टीवी की ये खास पेशकश, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।